थोड़े इधर होके बना दो सालन, तो हम रोटी बना लेंगे। रोटी बना दोगे? क्या बात है, बस हम नमाज पढ़ लेंगे ना, सालन भी बन जाए, रोटी बन जाए, आज भी फिक्र नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से होंगे? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मुझे काम वाम करना है, झाड़ू बर्तन, खाना तो मैं नहीं पका रही अभी। मुझसे तो आटा गूंथते नहीं बन रही थी, वो खुद बैठ गए कि मैं गूंथ देता हूँ आटा, आप पका लेना बैठ कर लेट कर जैसे भी दिल चाहे। मैंने चलो ठीक है, आसान हो गई, मैं आपको आसान के बाद बात करती हूँ। देखो यहाँ बहुत जोर शोरों से आटा गूंथ रही है, मारा का ये बड़ा अच्छा, उसे मालूम है कि अम्मा से बन नहीं रहा आटा गूंथते, तो खुद गूंने लगा वो। देखो आटा, और प्यारा आटा गूंद रही है। बेटा थोड़ा नरम ही रहने, ज्यादा हार्ड मत करना। हाँ सही है, देखो बस एक लोबर ही तो गंदा होता है, आटा तो गुन ही जाता है। वो बहुत मजा भी आता, वो शौक से गूंदता है, साबुन वाबुन से हाथ धो के कोनी कोनी होता फिर बैठा था वो आटा गूंदना खुशी खुशी। हमारे बेटे का मजाक नहीं उड़ा, बहुत काबिल बेटा है हमारा, हमसे ताकत नहीं लगाते, वो नहीं खन्ने दोनों दिखाए, इसलिए कर लिया है। कौन करेगा यार, बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे या मियाँ करते हैं, कौन करता है। जब हम फर्स्ट टाइम पे बीमार हुए थे लॉकडाउन में, तो हमारे बच्चे ने हमें रोटी पका के भी खिलाई थी, तो पापा काम पे गए थे तो हम छोटी छोटी सी रोटियाँ पका के खिल रही थी, हम कुर्सी पर बैठ रहे थे बताते जा रहे थे, इतनी मोटी मोटी रोटियाँ पका के, भूख के मारे बुरा हाल, दवा खाना था खाली नहीं पका के खिलाई। उनके पापा भी आ गए, बहुत ही तकलीफ हो रही, वो भी आ गए, सुन के अभी फोन आया था ना, मैंने कहा था बन नहीं रही है, क्या लाए पकाने की, मैंने किया आ गया, गोश आए, कलेजी आई, कलेजी आई, हाय हेलो, हाय हेलो, आ गए। चलो कपड़े थे कर लोगे भाई? कपड़े थे कर लेंगे, अलमारी के निकाल दे, निकाल देते हैं, कर दे ना। देखो हमारा बेटे कितना प्यारा था, यहाँ हमसे बिल्कुल नहीं झुकते, बेटे ही नहीं बन रही, झुकते ही नहीं बन रही, ये तो पूरी दिन के दिमाग तर्रा रही है, फिर इतना बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रही है। मैं यही तो कह रही थी तुम ले आओ कलेजी, हम तो नहीं जा रहे, तो फिर से आटा गुनवा लूँ, उठे बैठे दो दो तीन तीन रोटी पका लूँगी, अभी पका लेंगे छः सात रोटी हैं, अजान भी होगी, नमाज पढ़नी है, पढ़ ले, पता नहीं कब की नमाज, कौन सी आखिरी हो। अब देख अपन के दिल में कुछ फर्क नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। आदमी की तबीयत अंदर से ऐसी होती है ना, और जब घबराहट घबराहट होती है तो ऐसे भी लगता है, अभी उलझन सुलझन जरा दूर हो जाए, सब चीजों की सब हो जाता है, मुक्ति हो जाता है आदमी, पता है अल्लाह से दूर हो जाता है, जब उसकी परेशानी है दुख तकलीफ दूर हो जाती है ना, थोड़ा अल्लाह से खींच जाता है, अभी अल्लाह के करीब है ना, तो अल्लाह खुद उसकी मतलब वो कर लेते, अल्लाह मदद जब भी पास करते हैं, जब आदमी पे उलझन है परेशानी है दुख होता है, तो ऐसा लगता है अल्लाह खुद करीब है, और अल्लाह सब चीजें अगर इंसान की परेशानियां दूर हो जाए, सही बात है कि अल्लाह से दूर हो जाता है, ऐसे नमाज नहीं पढ़ पाता, जैसे परेशानी जब आती है तो इबादत में जो दिल लगता है, रोता है, अल्लाह से मांगता है, एक लोर रखता है जो अल्लाह से, तो वो सिर्फ ना परेशानी के हालत में होता है अल्लाह के करीब। ये बात तो मामी ने सही कही, और करेक्ट बात है, इस पे पढ़ती है फिर अल्लाह से, और अल्लाह देता भी है, फिर उसको बदल के भी दिखाता है, अगर वो ज्यादा मोहब्बत करने लगता है ना अल्लाह से, तो अल्लाह उसको एकदम दिमाग भी बदल देता है, उसको सब कुछ देता है। मुझे साथ तो ऐसे ही होता है, जब ना कुछ परेशान उलझी हुई तकलीफ होती है ना, अल्लाह से खूब मांगती हूँ, मेरी तबीयत इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर मैंने मतलब ना कोई वो ही नहीं रहता, फिर मैं ना नमाज थोड़ा मतलब ऐसी लापरवाही से पढ़ती हूँ, और टाइम होगा अभी पढ़ लेंगे, 2 बजे पढ़ेंगे, 2:30 बजे पढ़ेंगे, और जब मतलब ना मुझे जरूरत होती है तो मैं टाइम टू टाइम जल्दी से नमाज पढ़ती हूँ, पहले अल्लाह से बात करूँ फिर उसके बाद कुछ करूँगी। शैतान ने तो कहा है कि मैं तेरे बंदे को बहकाता रहूंगा, और अल्लाह ने कहा है कि मेरा बंदा एक वक्त भी मुझे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर लूंगा, तू बेकार है कितना बेकार है। माशाल्लाह मेरे बेटे ने गूंद लिया आटा, देखो कितना प्यारा आटा गूंदा है, अभी उसमें थोड़ी सी कसर बाकी, आप तो उधर रख दो, ढाक दो उसको खोंची से, और उधर की थोड़ी सफाई कर दो, ये बर्तन सिंक में रख दो, तालिब लो पोछे का कपड़ा,
ये आटा वाटा पड़ा है ना, ये साफ करो, अच्छा लगा उधर का। आपके हाथ बाद में धोना, पूरी लोवर गंदी हो चुकी है और देखो पोछा भी लग रही है। बुढ़ा है ना, बुढ़ा डिश। हाँ लाओ ये मुझे दे दो पोछे कपड़ा। अरे देने लगा रहे, झुकते बन रही होती तो हम खुद नहीं उठा लेते, झुकने भी तो तकलीफ बढ़ रही है हमारी। वो है ना डिश धो लो तो ये ना कलेजी डाल दें उसमें पानी में। आप क्या कर रहे हो, नाखून काट रहे हो? तो क्या हुआ आपका दुकान जाने का? अच्छा भाई तो जा नहीं रहे हैं ना। वो है ना छोरे बदी के लिए था, कपड़े धो रही हूं मैं, बता रही हूं कपड़े धो लो। अच्छा अब्बू के तो उनके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनके जो दोस्त हैं जो साथ जाते हैं काम पे वो हालत खराब है, तो आप लोग दुआ करना उनके अल्लाह पाक सेहत दे दे, अल्लाह पाक सबके माँ बाप को अच्छा रखे। माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ छूना है जिंदगी में, अल्लाह सबका भला करे। ये क्या खेल तो आके लाए हो, क्या रखा है एक वाइट वाइट कलेजी में? चिकनी रोटी रखवानी है, वो रख ली होगी वैसी। तुम्हारे पापा हैं जैसे तुम गोश में या खीमे में कलेजी की बोटी डलवा के लाता है, ये रोगन बोटी है, रोगन छाना खाती है ना इसकी याद रहता है। बुढ़ा है तो बड़ा कमाएगा बुढ़े। ओ मेरी बुढ़ी कलू बेटू, अब है ना आप कपड़े से कर लीजिए, अरे गीले मत करो यार, चेंज कर लो बेटा, लोवर चेंज कर लो जी। हरी मिर्चों में, हरी मिर्चों में तो तल के बनाएगा और भुन भानी हो जाएगी, फिर वो निवाले फंसेंगे कहाँ से बनेगी नहीं। कह रहा है अब्बा से कि मैं काटूँ अब्बा तुम्हारे नाखून, ये अब्बा इनसे कटवाएंगे नाखून। अरे फिसल दिया था इसलिए मैंने ये ना ये वाला ओढ़ लिया, मैंने फिसल दिया था जार जार बार बार, इतना पतला सा लगता है, अजीब कॉटन के दुपट्टों की आदत पड़ जाए ना तो ये पतले दुपट्टे अजीब लगते। हरी मिर्च देख क्या बातें कर रहा है, मेरी बुराई हो रही, दोनों बिल्कुल बुराई कर रहा है। एक भी ठेले वाला नहीं है, आप भी बता तीन चार ठेले वाले का। हरी मिर्चे तो हेंगे यहाँ पर, टमाटर नहीं है, टमाटर उस दिन सलाद बना दी थी। चलो हम बता देंगे कैसे बनाना है, सालन बनाओ मिया जी आज आप। अरे भाई यार तुमसे नहीं बनवा रहा है, कह रहा है नाखून खुद ने काटे, नाखून उससे फेंकवा रहा है, तो कह रही है मेरी फेंक रही है कल्ला, ये ऐसे ऐसे काम बताते नाखून खुद के कटे फेंकवा मुझसे रहे कल्ला के, सीधा काम चाहते हैं पता है ये। स्टूल सुबह पानी गर्म करा, स्टूल हमारे घर में ऐसी जंग होती है, अब देखो वो कुछ बोलेंगे उनसे। कुछ बोला नहीं आपने, अपने बेटा चिंचिन आ रही है, बोलिए ना, शांत रहते हैं अपनी गलती मान ले। बिटू कपड़े थे कर दो मेरी जान, मेरी शोर चुभे थी बाबू, कपड़े थे कर दो ना, कर दो ना, हो तूने कर दो आना किन दो बंदे वाला किसे फोन लगा के पूछे दो बजे है पंख उनसे, अच्छा पंखों वालों से पूछूं, सुधारने वालों से। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ आज कलेजी बन रही है, मैं तो जा रही हूँ बैठने, गीला हो रही है, चप्पल पहन लेते ना आप, अभी किचन विचिन धो के तो फारिग है इसलिए। तारीफ कह रही है मैं कलेजी को कूट लूँ, अब्बा कह रहे हैं ला मैं कूट के पकाऊँ, दोनों में लड़ाई हो रही है। सिलबत्ता वहीं रखवा दो, दोनों सुनने को तैयार नहीं है, करने दो अब अपनी मन की। ए मिया 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 चार पर हरी मिर्च खंगाल के वो भी कूट लेना इस पे, ये रहने दो मिक्सर में चला देंगे प्याज, नहीं अपने धुलेगा धुले वो ही हो ना। टमाटर ला के दो आप तो, क्या करा है मैं देखूँ उसका टमाटर ना, आलू में बनाऊँ नहीं बैठा जा रही है, नीचे सामान पटक रही है, नीचे प्लास्टिक के टूटे तो टूटा करे, ये कहते टूटी आन ने बने तो घर भाड़ा में जान दे, इतना बने उतना कर। क्या हुआ प्याज किस दो इसमें, वो किसनी से हाँ तेरी से किसना उंगली और कुचल
हाँ, और ये काली मिर्ची की फोटो इसमें दो तीन जितने डालना है। अरे मैं भी कर दूंगा, वो कर तो रहे हैं। डल्ली डल्ली वाली निकालो भैया, देखो नीचे से निकालो, मुट्ठी नहीं होगी। प्याज तल के डालना है, छील लो, धो लेना। इन दोनों से सालन पकवान, हम ये सालन बड़ा मजेदार बनाते हैं कभी कभी। से आज रेसिपी इनके हाथ की। फिर टमाटर काट लेना, हरी मिर्ची थोड़ी थोड़ी सिल पत्ते पे दुखेल लो, दो दो करके। इतनी सी तल ली है तुमने, प्याज तलने के बाद जरा सी जाएगी। हाँ छील दो, किस दो इसको। अरे जाएगी तलने के बाद। टमाटर भी काट ले। हाँ धो लो टमाटर, कटेंगे तीन टमाटर काट। इतना जोरदार खाना पक रही है लड़की, तो भीगी पड़ी है। हाँ आज भोजन अंदर कर लेती, खाएंगे हम। एक बार मुर्गा बना था, क्या तो मुर्गा बना था यार। क्या आ गई थी, एक काम को देता हूँ, प्याज तेल डाल, प्याज तलेंगे अपन गरम मसाला डाल के ना। मिर्ची कुचल ही लेना फिर, जब तक अदरक लहसुन लेके आओ, और ये ना दो दो मिर्ची करके धो के दो दो मिर्ची कूट लो। यहाँ पर यहाँ कूट रही है मिर्ची, मिर्ची भी डालेंगी, कलेजी में तलाएगी शानदार वाली। चलिए गैस जला, तेल डालें और नहीं हम आपको सामान दे रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ रखा है, आप ढूंढते ही रहेंगे यहाँ पे। नाम है आपके पकाने का, तैयारी तो पूरी हम कर। चलें ठीक है, गरम हो जाए तो ये गरम मसाला डाल दीजिएगा, ये कलेजी में डाल दें थोड़ी सी हल्दी, और इनसे मंगाया अदरक लहसुन उसमें से। चलो हम ला देते हैं ये मिर्ची, उठा ले देना इसी पे तल जाएंगे। ये भी उठा के दे दो हमें, फिर से तो डर ही लगता है मुझे, इतना ढक्कन गिर जाए, क्योंकि फर ढक्कन भी निकल जाता है। अंधेरा क्यों कर दिया भाई। चले यहाँ अदरक लहसुन भी डाल दें इसमें, थोड़ा सा नमक भी डाल दें, ढक्कन कर देना इसको। बस बत्ता भी उठाए, गरम मसाला जल चुका है, उसे प्याज जल रही है, प्याज तल जाए, पक लिया है खाना, फिर हम उधर जाके बैठ जाओ। जिन्हों प्याज जाए ना तो ये सब डाल देना, एक साथ बोटी कटेगी, एक मेरी भूल जाएगी। डॉक्टर ने चर्बी बताई है, गोश्त बताया है, हड्डियाँ बताएंगे, हलाल चीजें जितनी है वो सब खाना, गोश्त ज्यादा बताया, मुर्गा बताया, मछली बताई, और चिकनाई जितनी हो सके चिकना सामान खाओ। थोड़ा इधर होके बना लो सालन, तो हम रोटी बनाने का, रोटी बना लोगे क्या बात है, बस हम नमाज पढ़ रहे हैं ना खाली। सालन भी बन जाए, रोटी बन जाए, आज बेफिक्री। काफी प्याज हो चुकी, तल भी गई, वो थोड़ा सा चम्मच चलाऊ ना आस पास की चिपक रही है। चलिए बस डाल दीजिए, अब आप कर लीजिए आपकी वाली इसमें, तो ये इसमें ऐड कर दिए इन्होंने। अब इसको एक काम करिएगा, अच्छे चला दीजिए, और चला के एक ढक्कन डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको धोकर बर्तन को इसमें डाल देना, चम्मच चला दीजिए अच्छे से, और फिर मंदी सिम पे छोड़ दीजिएगा, तो ये कलेजी भी इसमें तला जाएगी, मसाला भी हो जाएगा पूरा। थोड़ी मंदी आँच पे इसको भून लेंगे अपन, जल्दी भून जाएगी क्योंकि इसमें धनिया लाल मिर्ची देंगे तो इनको भूनने में बहुत टाइम लगता है, पर अदरक लहसुन और प्याज जो होती है तली हुई होती है, सिर्फ कलेजी गलने तक इंतजार है, नहीं तो कलेजी की सीटी दे दें अपन, गल जाएगी होती गाँव में तो भूल जाएगी, इसमें कहाँ लगे भूनना है, बस ये काम खत्म हो जाएगी। हाँ तली ने कपड़े तय कर दिए, इतनी तेज तेज चिल्ला रहा हूँ यार, दो मिनट देख भी नहीं रहा, पापा से बात कर रहे हैं। तो बेटा मैं अभी रख दूंगी। चले तो वो भी खंगाल के डाल दिया गया कटोरा, अभी आटा गूंदूंगी मैं, जरा हल्का से उसको सही कर दिया, पूरा आटा फैला हुआ था पूरी थाली में, थाली ने लगाया था ऐसा आटा, पूरा फैला हुआ था। चलो रोटी भी आप बना लेंगे, लो ये पहले ढक दो, ये ढकती है उस पर, ज्यादा जुनून मुनून तो दिखाना मत, था उठा के गीले बाथरूम में पटक देंगे और ताला लगा देंगे बाथरूम।
हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, बहुत गुस्सा आता है, बीवी काम नहीं करती तो वो तो अधूरा छोड़ के चले गए, खाने नमाज पढ़ रही थी, पका रहे थे, इनका फोन आ गया, चले गए, खाना भी नहीं खाया उन्होंने बेचारों ने, पकाने में लगे हुए थे, आटा भी गुन रोटियां भी लोहनी बनवाई थी, शान के पटक के चले गए, देखो कितने बर्बाद करके और अब हमें डालना पड़ेंगे, कह रहे थे मैं पका लूंगा, लोहनी बनवाई थी उन्होंने मुझसे, वो जैसे चंगेरे पटक गई करके गड़बड़ करके चले गए, पका पाएंगे क्या, पका लिया उन्होंने जितना करना तो बताती गई, मैं तो डाल भी दिया उन्होंने इतना सब कुछ, ये मैं पका दूंगा तू खा लेना, सालन में कलेजी बुन जाए, अब्बा तुम्हारे छोड़ के गए, सारी चंगेरे उसमें पटक के चले गए, खुश्की में देखो कैसे खराब हो जाएंगी फटी फटी, नमाज पढ़ रही थी मैं उन्होंने गड़बड़ कर दी, लग गई प्याज भी अम्मी, तब तो गर्म हो रही है, टाइम लगे सालन भी होने वाला है, तुम्हें दे दूंगी तुम खाना खा लेना, हाँ वहाँ अब्बा घर इधर कहीं होंगे फोन लगा देंगे, रोटी डल जाए फिर सालन हो जाए, जरा आके खा के चले जाएंगे, देखना कैसी रोटी हो गई फटी फटी, देखो खुश्की में लोट के चलेगा, काम बर्बाद करवा लो और आदमी ऐसे तो खराब ही कर दिया उन्होंने, खराब कर दी यार खुश्की से, वाइट वाइट हो गई, निशान पड़ गया उस पर था सफेद सफेद, कह दो मैं अपने लिए बना लेंगे, हम नहीं बना पा रहे तुमसे रोटी, हम तुम्हारे हाथ की नहीं खा पाएंगे, अब तो अपने लिए बना लो, अरे सालन बन गया, मैं रोटी डाल जा तुम खा लो, देखो सालन कितने अच्छे बना, खुशबू भी अच्छी आ रही है, कलेजी भूनी हुई है खा ली ऐसी, देखो रोटी पक रही है जैसी तैसी, यार ये ऐसी रोटी मुझसे पकती नहीं है, खराब खाना पक चुका है, रोटी बन गई थी थोड़ी दादी बना ली, वो तो चले गए, खाना भी नहीं खाया, खाना निकला रखा मैं भी खा लूँ क्योंकि भूख लग रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मगरिब का वक्त हो चुका है, बिहार नमाज अदा करके आ रही हूँ, वो चाय बनाने रखी थी तो तालिब ने चाय भर के दे दी अपने पापा को, मैं नमाज पढ़ रही थी तब मेरी चाय रखी थी, मैंने भर के पी ली, क्या हो रही है, अच्छा तो गद्दों का कुछ ऐसा कि गद्दा ना उदा से इतना फिसल जाता है, गेप हो जाता है गड्ढा, इतना सड़ता गड्ढा, मैंने माफी यूं में कर दूँ, इतने इतने नीचे लटके रहते हैं धागे टूट रहे हैं गद्दे के, खराब हो रहे हैं, वापिस करवा, वो काली नडा वो सन थी ना तो मैंने लगा दिया था उधर, हटा दो फटाफट हटा दो, इधर पटक दो नीचे, जल्दी से उसको घुमा के रख दो, घुमा उसको, 100 रुपए इसका रखा है, तुम ले लो 100 रुपए, 500 मिले तुम ले लो जल्दी से, और इसको घुमा दो, किसको घुमा दो, ये घुमा दो, अरे इस बच्चे को पकड़ो घुमा दे जल्दी, सरका दो मोबाइल की पिन ना पड़ेगी, हमने मोबाइल के डब्बे में रख दी थी मगर तुमने हटा निकाल दी थी, अब सेट होंगे सही, बीच में थोड़ी सी ना देख लेता है यू में तो बहुत इतना इतना गड्ढा, तारी मत फूटो वो पतले हो गए यार अपने गद्दे वाले, अपन भी पतले हो गए, सही बात है, सब कुछ पतला हो चुका है, हम भी पतले हो गए, जितना हमारा सामान चला ना उसे थोड़े से ज्यादा हम ही चल रहे हैं, बस मेरी चाय ठंडी हो गई, गद्दे भी चेंज होने लगे तो मेरी तारी खड़ी हो जाओ, जल कुकड़े मियां हमसे जलते ही रहते हैं क्या पता क्यों, क्या हुआ तालिब तुम्हें क्या हो गया, उनको अब्बा ने ना झोड़ दिया इनके कानों में दर्द होने लगा, कान पकड़ के मोड़ दिए, ये पापा से मस्ती कर रहे थे, पापा ने इनकी झोड़ दी, वो पापा का झांकना स्टार्ट हो गया, ये तुम्हें एक दरवाजा खोल के झांक लूं, आज इनकी गर्दन को तकिए ने काट लिया, इनकी गर्दन की नस चढ़ गई है, ये यूं ही बिल्कुल
तक सीधे हो गए हैं। हम लोग ना बहुत देर से लेटे हुए थे, खाना वाना खा के चाय पी के मगरिब से अभी तक लेटे हुए थे। अभी शाम का ही टाइम होने वाला है। उतारी तो कुचला गए अब्बा के हाथ क्या कुचली हो गई इनकी। हाँ क्या करना है अभी, क्या बनेगा खाने में? कुछ नहीं। अरे मियाँ ने इतना अच्छा सालन बनाया कि हम लोगों ने खूब दबा के खाया, तालिब ने और हमने। और जब ये आए खाना खाने के लिए तो कहने लगे बस तुम लोग सालन किसी को दे दिया? तो मैंने कहा नहीं, तो नहीं। तालिब के लिए अम्मी ने खूब दबा के खाया। कभी कभी तो मिलता है टेस्टी खाना, सालन खा लिया दबा के, वो अच्छा बना था, पूना पाना मज़ा आ गया। तालिब ने भी अच्छे से खाया, भूख भी लग रही थी बहुत तेज। क्या हो रही है? ऐसा लग रही है इनके तो दब जाएंगे, इनके कौन दबाएगा फिर टूटे फूटे। मेरे कंधे पे नहीं, मेरे पीठ पे वजन मत रखना आड़े में करवा लो, पापा को दीवार पकड़ के खड़े हो जाओ। मेरी पीठ पे वजन मत कर देना, तुम मुझे तोड़ दो, गिरा ही दो। तुम्हें जितना संभाल के अपने आप को छोटे बच्चे की तरह रखती हूँ। ताजा हो रही थी तुम उठ के बैठ गई थी ईशा की। अच्छा मैंने बताया था। हाँ इन्होंने बताया था, ये मोबाइल देख रहा है। तो पापा उन्होंने क्या कोई और डांटे उससे पहले कह दो कि अजान हो रही है, अभी मोबाइल भी बंद कर दीजिए और उठ के बैठ जाइए आप लोग खेल लगे। तो अब बच्चों का तो सुनना पड़ता है, बच्चों को सिखाते हैं भाई, सीखना भी पड़ेगा। तो मैं भी उठ के बैठ गई, इनके पापा होने होंगे तो पीठ तो दबा, तो पीठ दब रही है, दबा दू। अभी भी पुराने रीति रिवाज, हम भी हमारे पापा के बहुत पीठ दबाते थे, दो दो तीन दिन खड़े होके। नहीं है एक ही है तो एक ही खड़े हो जाते हैं। अच्छा ऐसा होता है ना, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो दबाते हैं, छोटे बच्चे खुद ब खुद चलने लगते हैं कि हम भी दबाएंगे। हम खड़े होते थे ना, हमारी छोटी बहन भी खड़ी हो जाती थी आके, हम भी दबाएंगे। भांजे भी खड़े हो जाते थे आके दबाने। वो ना मुनक्का का डब्बा उधर ला के रख लो, नहीं तो वो मुनक्का खराब हो जाएंगे डब्बे के अंदर ही। स्टील वाला डब्बा है छोटा वाला, क्या तो उसमें खराब हो जाएंगे, कोई खा नहीं पाएगा। हम नहीं खाते, हमें दिल नहीं चाहता मुनक्का खाना। जैसे चिल्ला के चिल्ला ना, अभी जैसे चिल्ला रहा है भाई ये तो हम इनके भाई हैं, भाई को तो देखो हमारे छोटे से। और ये कौन है? ये भी भाई है, ईशाई भाई है, ईशाना भाई है। आप कौन से भाई हैं? तालिब भाई। तालिब भाई, तालिब भाई ना भी बोल सकता है क्या? हमने तो खुद मोजे पहन लिए, ये वाले पहने हाफ वाले, पर अभी थोड़ी देर पहले जलन पड़ रही थी, निकाल दिया। ये भी मोजे पहने, पैरों में इतनी ठंड लग रही है। वो तो यार पंखा खराब है, नहीं तो वही पंखा चल रही होता तो हम ऊन अकड़ जाते हैं। गर्दन तो अभी एक ही खराब हो चुकी है, उनके कान दुख रहे हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बीहें खाने तो था, कहीं तो ऐसा करेंगे आप? नजर मत लगाया करो यार तुम खाने पे। देखो नजर लगा दी हमने खाने, आप आवाज दे, इन्होंने बिगाड़ा है। ये रट्टा लगा रही, इनको भी खाना है, खा लेते हैं हम तो भी, हमें कुछ नुकसान नहीं देता क्योंकि हम तो खुद खतरनाक। अरे आप तो मनुष्य हो ही नहीं, आप उतार रहा हो क्या मोजे? साबुत वाले भी है, नए मोजे रखे हैं। देखो कितना प्यारा बेटा अपने पापा के पैर दबा लिया, उंगलियां चटका रहा है, उनकी उंगलियां बहुत दुखती हैं। मैं भी कितनी चटका दूं, दुख दबा दूं तो दुखती रहती है। हाथ पे दबा रहा है, थक गए ना आज काम पे नहीं गए इसलिए काम पे जाते जब नहीं थकते है ना पापा का दुख सही है ना सही टॉपिक। हाथ पैर दुखते हैं, काम पे नहीं जाता इंसान तो कमजोरी से महसूस होती है ना बुढ़ापे, आलसी हो जाता है। उंगली वाले बाबा वो फर्जी है, इनमें ऐसे भागे अधूरा खाना छोड़ के। और चंगे ने देखा था इतनी गंदी कर दी थी आपने उनको, आटे में लोद गई थी, खराब हो गई थी, पता है वो कितनी मुश्किलों से रोटी बनी है उनकी, पपड़ी पपड़ी जम रही थी तो खराब हो गई थी, पकाना हमें पड़ी। देखो कलेजी का गोश्त पसंद वाला
पिल्ली का गोश्त है वो पिल्ली गोश्त अल्लाह पाक। चलो ईशा की नमाज हो पढ़ने। अब सो रहे हो क्यों? रात को उठिया ना, मच्छर भगाने हैं। हम सो जाएंगे। पता है रात को क्या हुआ था? गहना तीन बार उठे धुआं करने, वो अगरबत्तियां खत्म हो गई थी इतनी जलाई में, उससे मेरी सांस अजीब से लगने लगा था। हलक में किला में धुआं करता हूँ बस, तो एक लकड़ी जला के छोड़ दी थी, मंदा 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 धुआं होता रहा। पंखा खराब है ना, मच्छरदानी ढूंढने दो, मच्छरदानी शायद ठीक ठाक दी मैंने, फट गई थी तो मच्छरदानी भी नहीं लगा सके। और पंखा भी दिन भर होगा ले जाएंगे नहीं, पंखे वालों से कहा था तो किला मारे, और पता चला कि वो आज भी उन्होंने टाल दी है, फोन ही नहीं उठा रहा है। दूसरी जगह देखा था तो दुकान कहीं अच्छी जगह सुधरवाएंगे नहीं, बार बार कर थोड़ी वो तो खराब कर सुधार को दे देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद खराब हो जाए तो वो दूसरी जगह। दुकान बंद है आज संडे है इसलिए। मच्छर आ गया आपके पास, देखो मच्छर दाढ़ी पे काट रही है यहाँ बाल। काट लिया मच्छर ने काट लिया। अभी काली टी शर्ट पहनो ना, काले कपड़े के पास बहुत मच्छर आते हैं पता है। कितना प्यार है ये, बस प्यार ही तो है तुम लोगों में, ये क्या कि प्यार सही से बर्बाद हो गया हो तो। कैसे तालिब का आज संडे था, तालिब पापा कहीं भी नहीं ले गए, तालिब कह रहे थे आज संडे आज आखिरी छुट्टी है, पापा कहीं ले चलो। पापा को फोन आया, पापा चलेगा गला खाना खा लेंगे चलते हैं, पता चला कि कहीं भी नहीं गए। और कल से तालिब का स्कूल कोचिंग सिपारा स्टार्ट, सिपारा तो फिर जा रहे हैं, एक दो वक्त चले गए, हमारा भी जाना आना लगा हुआ था तो इसलिए ब्लॉग भी ज्यादा नहीं बनाई हमने। मंगल की नहीं, पीर की बनाई थी हमने शायद ब्लॉग, जब से अभी तक ब्लॉग नहीं बनी हमारी, पीर की भी नहीं बनाई, एक बार वो बनाई थी शायद, पता नहीं कब बनाई थी, याद नहीं है। बना दी हूँ, कभी बनता है कभी नहीं बनता, किसी के जाना आना हो जाता है तो नहीं बना पाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ ज्यादातर। चलिए तो फिर वीडियो का एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन जो लोग हमारी वीडियो बनाए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।